अरे मौसा जी के डर से ही तो मैं इस समय आया हूँ। वो सामने वाला पार्क है ना, पिछले 8 घंटे से मैं वहीं पे बैठा था और ये सोच रहा था कि मौसा जी कब जाए ताकि मैं झट से तुम लोगों से मिलने पहुंचू। मौसा जी मुझे पसंद नहीं करते, मैं जानता हूँ। उन्हें लगता है कि मैं फिल्मी चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ। पर मौसा तू तो जानती है कि मेरे पिताजी ने जिंदगी भर समाज को जागरूक करने, उनको उनका हक दिलाने के लिए गली गली में नुक्कड़ नाटक किया करते, खुद एक टाइम खाते थे और अपने ग्रुप के लोगों का घर चलाया करते थे। मगर उनके और उनके सपने के बीच उनकी बीमारी आ गई थी। जब वहां से कुछ नहीं कहते थे मगर उन्हें लगने लगा था कि उनके सपने के साथ उनका दम टूटने का। और उसी दिन मैंने सोच दिया था उनके सपने को मैं मरने नहीं दूंगा। और तभी मैंने सोचा टेलीविजन से अच्छा माध्यम क्या हो सकता है।